शेख वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कल रात महानगर कोलकाता में आयोजित एक समारोह में ऐसे बच्चों को पुरस्कार दिया गया जिन्होंने कक्षा 5 से कक्षा 12 तक की परीक्षा इम्तियाजी नंबरों से पास की है। इस कार्यक्रम में मशहूर इंटरनेशनल अनाउंसर शकील अंसारी के अलावा शेख बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुशर्रफ कासमी, मौलाना अब्दुल रजाक, जिलुर रहमान आरिफ, परवेज आलम आदि शामिल थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज मुसलमानों की तरह शेख बिरादरी भी OBC में शामिल है और हमारा मकसद है कि हम सभी के लिए काम करें, जो शेख बिरादरी से हैं उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गुरु रहमान आरिफ साहब ने दावत दी और कहा कि शेख बिरादरी की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ मुनक़द किया गया है जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक का ख्याल, अपनों से लेकर गैरों का ख्याल, यानी गैर को गैर नहीं समझना, नहीं समझना, सबों का ख्याल रखेंगे, मिलत का ख्याल रखेंगे, राज्य का ख्याल रखेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, बच्चियों का ख्याल रखेंगे, दुनियावी तालीम वाले का ख्याल रखेंगे, दीनी तालीम वाले का ख्याल रखेंगे। यहाँ उनको भी इनाम दिया गया जो क्लास 5 का है, उन्हें भी इनाम दिया गया जो क्लास 12 का है, उन्हें भी जो ये कर चुके हैं और उन्हें भी जिन्होंने हाफिजा किया है, एक हाफिजा भी है और एक हाफिज भी है, इन्हें भी इनाम से नवाजा गया। मैं शेख बिरादरी जो है एसोसिएशन, शेख वेलफेयर एसोसिएशन पूरा नाम है इसका, शेख वेलफेयर एसोसिएशन को मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने कहा कि आप लोगों ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि लोग कहते थे आए शेख अपना देख, लेकिन आपने साबित किया आए शेख सबको देख। जो शेख बिरादरी की एक मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने शेख वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है और उसको बनाने का मकसद हम लोगों का सिर्फ ये है कि बिरादरी के लोगों को या मिल्लत के बीच में हम लोग कुछ काम कर सकें। और ये हम लोग का सालाना प्रोग्राम है, हर साल इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। 2018 में हम लोगों ने बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड ये बॉडी है हम लोगों की, और इससे हम लोग अपने स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो दीनी हो या दुनियावी, उनको हम लोग इनाम से नवाजते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। और जो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग थोड़ा सा पगड़ी वगैरह बांध के उनको सम्मान देते हैं। क्या ये आज एक प्रोग्राम था नेशनल लेवल में अदारा या सिर्फ सूबाई सतह पर है? ये अभी हमने सूबाई सतह पर इसको बनाया है, लेकिन हमारे आज इसमें जो है हमारे नेशनल लेवल के जो है सदर यहाँ आए हुए हैं, मोहम्मद शमशाद सिद्दीकी साहब, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, वो भी आपको अपना ख्याल। मुस्तकबिल के लिए क्या आप लोग करेंगे अपने बिरादरी के लिए? मुस्तकबिल के लिए ये जो भी भलाई का काम होगा, जिस तरह का भी होगा, और बिरादरी के लिए नहीं, अगर हमें गैर बिरादरी में भी अगर कोई आदमी कमज़ोर मिलेगा उसके लिए भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हमरी में ये हमारा दस्तूर कानून बना हुआ है कि हम सिर्फ बिरादरी को नहीं करें, सिर्फ बिरादरी का तो सर्टिफिकेट का मसला है, लेकिन जो भी कमज़ोर होगा उसके लिए हम लोग काम करें। कहाँ कहाँ आप लोग की शाखे है बंगाल में? अभी फिलहाल हम लोग का यही एक ऑफिस है, यही चल रहा है। अच्छा, इसके हवाले से क्या कहते हैं? मैं शमशाद सिद्दीकी गाजियाबाद से, राजकीय से सिद्दीकी बिरादरी बन राइटर और अध्यक्ष जी। और उसके नाते जो मेरा मिशन है, मेरा मिशन बच्चों की तालीम के ऊपर है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएँ और बहन बेटियों के निकाह आसान कर पाएँ। बच्चों की शिक्षा के ऊपर है जो भी हमारा टारगेट है, अगर हम शिक्षित होंगे तो इंशाल्लाह हमारे सारे मसले हल होंगे। हम जैसे कि हम हर बैंक में मैं अपनी भागीदारी दिखा पाएंगे, हर सरकार में हमारे बच्चे शामिल होंगे। आज के दौर में बिना शिक्षित का कोई मतलब नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। हम जैसे किसी की मदद करते हैं, और हमने एक मुहिम चला रखी है कि जो बेटी इंटर करके और आगे को कोई कोर्स करना चाहेगी, उसके घर में घर वालों में इतना जरिया नहीं है कि उसकी तालीम करा सके, उसमें हम 21,000 रुपये का पहले अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन बच्चों के दाखिले कराते हैं। हमारी एक तंजीम है जो आज से एक साल पहले या उससे कुछ पहले कायम हुई थी, और ये यूँ तो पूरी मिल्लत के लिए काम करने के लिए कायम हुई है, ख़ास तौर से बिरादरी में जो लोग पसमानदा हैं, तालीमी तौर पर पिछड़े हुए हैं या समाजी तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काम कर रही है तंजीम।
और इस ताल्लुक से इस तंजीम का क्याम अमल में आया है। इसी तरह से OBC सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में जो दुश्वारी पेश आ रही है उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम का क्याम अमल में आया, हम लोग इस ताल्लुक से काम कर रहे हैं। क्या पैगाम देंगे यहाँ से लोगों को? पैगाम ये देंगे, एक पैगाम तो बिरादरी के लिए है कि बिरादरी में बेदारी पैदा हो और सादगी के साथ अपने सारे जो ज़रूरियात है उसको अदा करने वाले बने। शादी ब्याह में जो रस्म व रिवाज फैला हुआ है इसे ख़त्म करें, बेजा रस्म व रिवाज से निकलें, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करें। और दूसरा ये है कि खुद अपने तौर पर अपने घर वालों, अपने बाल बच्चों की तालीम के साथ अपने बिरादरी में जो बिछड़े हुए हैं उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दिया जाए और पूरी मिल्लत में जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है कि यहाँ हम कुछ कर सकते हैं तालीमी तौर पर, माशी तौर पर, वहाँ पे हम उस तरह के काम को करने के लिए तैयार हों। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के मंच से? आज के प्रोग्राम के मुतालिक ये कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शेख बिरादरी का ये प्रोग्राम हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बहुत सारे गैर बिरादरी को भी बुलाया है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि हम इंसानियत की खिदमत करने के लिए हमने कमेटी बनाई है। ये नहीं कि हम शेख बिरादरी हैं तो सिर्फ शेख ही बिरादरी के हम हामी और मददगार होंगे। कोई भी कौम मिल्लत का कोई भी मामला आएगा उस मामले को इंशाअल्लाह हम आगे लेके चलेंगे और भरपूर उसकी तआवुन करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में काफ़ी इस्तराफ़ का माहौल है, क्या कहेंगे इसके मुतालिक? ये कहेंगे कि मुसलमान अपनी बेदारी का सबूत दें और ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वहाँ पैगाम पहुँचे कि भाई हम मुसलमान ये जो वक्फ में वक्फ के जो बिल के मुतालिक कानून बन रहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और जो हमारा पुराना कानून बना हुआ है हम उस पर मुत्तफिक हैं और मुतमईन हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वक्फ की इमलाक पर जो छेड़छाड़ जो गासिबाना कब्जा है इससे उसको मदद मिलेगा नए बिल से। अब क्या मदद मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भाई दानिशवरान लोग जानेंगे, तो ये समझे हम तो ये कहेंगे कि भाई ये जो पूरी जो बिल अगर पास हो जाता है तो सबसे बड़ा मसला ये होगा हमारे सामने कि फिर हमारे तमाम मसाजिद और मदारी जो बचे हुए हैं ये भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो पहले तो झगड़ा हमें ये करना है और लड़ाई ये लड़नी है कि हुकूमत का जो ये नया कानून बन रहा है ये पहला नया कानून जो ना बने और ये बातिल हो जाए, फिर उसके बाद जो अंदरून जो खलफशार है इंशाअल्लाह नज़ीर बहुत सारे तंजीमें बैठ कर के में ये बात कर रही है पूरे हिंदुस्तान में कि जो अंदर में जो खलफशार है इंशाअल्लाह ये भी खलफशार और ये जो लूटपाट का मामला लगा हुआ है उसको भी इंशाअल्लाह हम लोग सब बैठेंगे और गौर फिक्र करके इस बीमारी को इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। शेख बिरादरी प्रोग्राम होते हैं सेक्रेटरी जारिक भाई ये समाज जो अनेक भलो काज कर एकटू समाज मिले बड़ो है এই কমিউনিটিতে এই কমিউনিটিতে ছাড়া আলাদা মানুষকে সাপোর্ট করে এটা অনেক বড় ব্যাপার। তারপর আজ ওয়াকবোর্ডে যে আলোচনা হচ্ছে আমি চাইবো আমার সমস্ত মুসলমান ভাই বোনদের করে আবেদন করব কিউআর কোড যার কাছে যাচ্ছি একটা ভেরিফিকেশন করুন আর সেখানে আল্লাহর নামে দান করুন। আমাদের ওয়াক বোর্ড বাঁচলে তাহলে মুসলমানের সমাজের একটা ওয়াজুদ বেঁচে থাকবে। তো আমি আপিল করব এই ভারতবর্ষের মানুষকে পশ্চিমবাংলার যে জনগণকে অনুরোধ করব যেখানে আমাদের যেখানে আমাদের সবথেকে বেশি মানুষ আছে খাস করে ছোটো থেকে বড়ো যে আমরা 10-20 টাকা অন্য জায়গায় খরচা করি যিনি এখানে 100 টাকা করে যদি কেয়ার করে দিই আমাদের পশ্চিমবাংলার মধ্যে না হলেও 3 কোটি মানুষকে আমি আপিল করব তারা যদি 3 কোটি মানুষ যদি আমাদেরকে 100 টাকা করে দেয় তা অনেক টাকা হয়ে যাবে। যেমন একটা রাজা কি বলছে বলি রহমান একটা বলি রহমান একটা স্কুল করেছিল সেই স্কুলে এই পশ্চিমবাংলা মানুষের পুরো সারা দেশের মানুষের কিউআর কোড থেকে ফোনপে গুগল থেকে টাকা নিয়ে এই স্কুলকে ডেভেলপমেন্ট করেছে। কিন্তু এইটা আমাদের দিনের ব্যাপার আমাদের কমিউনিটির ব্যাপার আমাদের ইসলামের ব্যাপার আছে এই ওয়াক বোর্ডের জন্য বেশি বেশি দান করুন আর জনগণের সাপোর্ট চাই।